मैं हूँ कैप्टन प्रीतिका, यहाँ है नो बकवास ओनली फैक्ट्स। मैं बोया का M1 माइक काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। इनफैक्ट अभी जो आप आवाज सुन रहे हो वो बोया के M1 माइक से ही सुन रहे हो, बट रिसेंटली मुझे लगा कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो मुझे रिपीटेडली हो रही है कि ये ओमनी डिरेक्शनल है, जिसकी वजह से बाहर का नॉइज ये बहुत ज्यादा कैच करता है। अभी फिलहाल मैंने सारे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रखे हैं, इसलिए आपको थोड़ा हो सकता है बाहर की नॉइज कम मिल रही है। अगर आप ऐसे जगह में रहते हो जहाँ पे आवाज कम है, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कुछ और मत सोचो, ये ले लो। आवाज क्वालिटी मैं आपको उसका भी दिखाऊंगी अभी, रोड का जो लेवलियर माइक है उसका भी। मुझे कुछ खास फर्क नहीं नजर आता है। सबसे ज्यादा बेनिफिट जो बोया का वो है, जो इतनी लंबी तार है इसकी, वो मुझे इसकी बहुत ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से मैं अभी काफी दूर बैठी हूँ कैमरा से, बट फिर भी ये इतने लंबी तार है इसकी वजह से मुझे ये बेनिफिट मिल जाता है। ये बेनिफिट आपको रोड में नहीं मिलेगा, रोड की तार इतनी छोटी होती है, और इसके लिए अगर आपको इसका एक्सटेंडर खरीदना है तो अलग से पैसे लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा। मैंने नहीं खरीदा पहले से ही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इसकी आवाज इतनी ज्यादा अच्छी लगी नहीं रही थी। अभी आप रोड के माइक की आवाज सुन रहे हो, चलिए एक जोक सुनाती हूँ। पिज्जा हट का ऑपोजिट क्या है? पिज्जा हट ना मत। तो सुना आपने रोड के लेवलियर माइक का आवाज़ भी। ये आवाज़ जो है, मैंने जब मैं एडिट कर रही हूँ इस वीडियो को, तब मैंने माइक को ऐड उसमें अटैच करके उसमें से बोल के आपको सुनाया है। डायरेक्ट कैमरा में अटैच नहीं है, जबकि आप ये कैमरा जो अभी आप बोया का सुन रहे हो वो डायरेक्ट कैमरा में अटैच है ये माइक। बोया के M1 के बारे में आपने काफ़ी अच्छी बातें सुनी होगी, क्योंकि ये इस लायक भी है। इस रेंज में इतना अच्छा माइक आपको और कोई भी ब्रांड नहीं देने वाला है, तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही जाएगा। मैंने रोड का ख़रीदा तो था, बट आज तक कभी यूज़ नहीं किया। सिर्फ वॉइस ओवर्स के लिए ज़रूर यूज़ करती हूँ, वो भी तभी जब ये मेरे आसपास नहीं पड़ा होता, क्योंकि वो हर टाइम मेरे टेबल पर ही रहता है, तो मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ वॉइस ओवर्स के लिए। वैसे आपको पता है, एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने का ना एक ट्रिक है, ऐसे स्क्रिप्ट जिससे लोग अटैच रहे, पूरे बंधे हुए रहे, वो स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, इस कार्ड को क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।